तो एक तरफ जहां सियासी रैलियां और धुआंधार प्रचार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से राजनीतिक हिंसा की बेहद ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। एक बीजेपी नेता की हत्या माओवादियों ने कर दी और इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। कैसे ये पूरी की पूरी घटना जो है वो सामने आई है, देखिए। ये बीजेपी नेता रतन दुबे की तस्वीर है। नक्सलियों ने एक खौफनाक अटैक कर रतन दुबे की हत्या कर दी है। इस मर्डर के बाद छत्तीसगढ़ में एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इस बहाने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता छत्तीसगढ़ के झाराघाटी थाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुटे थे, तभी नक्सलियों ने उन पर अटैक कर दिया। दावा किया गया है कि रतन दुबे की हत्या को नक्सलियों ने धारदार हथियार से अंजाम दिया। घटना के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मच गया। नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से उन पर आक्रमण किया, शरीर के कई टुकड़े किए, इससे निर्मम हत्या की गई है। मैं कार्यकर्ताओं से और बाकी मेरे पार्टी के नेताओं से अपील करता हूं कि वो इस हत्या का बदला निश्चित हम लेंगे चुनाव में जिता करके, और इससे बड़ा कोई नहीं होता। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस परिवार के साथ है। बीजेपी नेता रतन दुबे जिला पंचायत सदस्य थे। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।